जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म, आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियां मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आज आपको बता रहे हैं पन्ना के बारे में। पन्ना मीन्स एमराल्ड। इसका क्या मतलब होता है, कैसे पहनना चाहिए, कौन पहन सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो पहले तो ये देखते हैं, यहाँ कारक, यहाँ अकारक। हमारी कुंडली में दो तरह के ग्रह होते हैं, एक कारक होता है, एक अकारक होता है। जो कारक ग्रह और जो अकारक ग्रह होते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इन दोनों के बारे में आज आपको बताते हैं कि कारक कौन होता है, कारक कौन होता है और पन्ना किसको पहनना चाहिए। पहली बात हम बताते हैं आपको कि पन्ना आप मिथुन लगन में पहन सकते हैं, वृषभ लगन में पहन सकते हैं, कन्या लगन में पहन सकते हैं, तुला लगन में पहन सकते हैं, मकर में पहन सकते हैं और कुंभ लगन में पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना क्या काम करता है? पन्ना सबसे पहले काम करता है बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि को ये बढ़ाने वाला है। और जो आदमी पन्ना धारण करता है उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। दूसरा, ये बात करते हैं शिक्षा की, कि जिसकी बुद्धि तेज होती है वही ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसी हिसाब से उसका ज्ञान बढ़ता है। बुद्धि बढ़िया, कुशाग्र बुद्धि होगी, कुशाग्र बुद्धि के बाद में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी शिक्षा के बाद में उसको ज्ञान मिलेगा। तो ये पन्ना का काम है ये देना, क्योंकि पन्ना जो है बुध ग्रह का रत्न है। ये आपके सामने एक लग्न कुंडली बनी हुई है, कन्या लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी बुध बनते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि बुध कहाँ बैठेगा तो आपको पन्ना पहना है और कहाँ नहीं बैठेगा तो पन्ना आपको नहीं पहना है। तो पहले बात करते हैं बुध के बारे में, कि बुध हमारे भाई का, बहन का कारक होता है कुंडली में। ये हमारी शरीर की जो त्वचा है, त्वचा का कारक होता है। ये वाणी का कारक होता है। वाणी का मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं और जो हमारे बोलने का तरीका है, या हम जो वार्तालाप करते हैं कहीं बैठ के, या किसी के साथ हम किसी बात पर डिस्कस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो जो बोलने की हमारी कला है, उस कला को ये पन्ना बढ़ाता है, क्योंकि पन्ना इस चीज़ का कारक है। जब कारक है वाणी का, तो ये वाणी को, हमारी को जो प्रभाव है वाणी का, उसका जो तेज है उसको बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है उसका। और सामने वाले पे जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों का गहरा असर पड़ता है। तो जो पन्ना धारण करते हैं उनकी जो वाणी है बहुत बढ़िया, अच्छी वाणी हो जाती है उनकी, और ऐसी वाणी से सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है, सामने वाला प्रभावित जरूर होता है। पन्ना पहनने से जो लेखन कला है वो हमारी बढ़ती है। उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं, या कोई भी आप ग्रंथ लिखते हैं, अगर आपका बुध बढ़िया है और आपने अगर पन्ना धारण किया हुआ है, तो लेखन की जो कला है वो आपकी एकदम बहुत बढ़िया निखर के सामने आती है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, इन तीनों की जानकारी जिसका बहुत अच्छा है और जिसने पन्ना पहना हुआ है, उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। उस चीज़ के वो लोग बहुत ज्ञाता हो जाते हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र की। पन्ना एक ऐसा रत्न है कि ये आदमी को हास्य प्रसंग में भी बड़ी हेल्प करता है। आपने बड़े कलाकार देखे होंगे जो हास्य के कलाकार हैं, तो लोगों को हंसाते हैं। आपने देखा होगा मंच लगाते हैं, मंचों पर लोग जाते हैं देखने के लिए और उनकी बातों पर ठाके लाला घसते हैं। तो ये क्या होता है, ये विनोदी स्वभाव होता है। ये आपके सामने विनोदी स्वभाव है कि विनोदी स्वभाव जिसके पास होता है वही लोगों को हंसा सकता है। अभी पीछे हरियाणा के एक बड़े अच्छे कलाकार थे, सुरेंद्र शर्मा जी, आपने उनका नाम सुना होगा, और बहुत सारे हैं लिस्ट लगी हुई पूरी जो हास्य कलाकार हैं। तो जब सुरेंद्र शर्मा को मैंने कई बार सुना है, तो जब मैं उनको देखता हूँ स्टेज पे, तो पब्लिक हंसती है
तालियां पीट पीट के हंसती है, बहुत जोर जोर से हंसती है। जहाँ हॉल में उनका कोई प्रोग्राम हो रहा होता है वहाँ पे इतना बढ़िया समा बन जाता है हंसने का कि वो, पर सुरेंद्र शर्मा जी को हंसी नहीं आती। ये कला है, इसको कला कहते हैं कि सामने वाले को हंसाओ और खुद मत हंसो, वही विनोद की कला होती है। जो आदमी बढ़िया शिक्षा ग्रहण की हुई है, अच्छा बुद्धि है, अच्छा ज्ञान ले रहा है, ऐसा आदमी जॉब उसको दिक्कत नहीं आती है। कि जॉब आदमी को कम मिलता है जब आदमी को टैलेंट होता है। टैलेंट, पहला टैलेंट शिक्षा का होना चाहिए, दूसरा टैलेंट है ज्ञान का होना चाहिए, और जो तीसरा टैलेंट है वो हमारी बात करने की जो हमारी एक जो टैक्ट होता है, या बात करने का जो हमारा तरीका होता है, सामने वाले पे इम्प्रेस डालना चाहिए। जब सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है तो हमें जॉब भाग के मिलती है, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। बुध वाणिज्य का कारक है, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उनका ये कारक होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का भी कारक है बुध, इसलिए वाणिज्य जो बड़े बड़े स्तर के जो बड़े बड़े कारखाने चलते हैं उनका कारक है। ये व्यापार का भी कारक होता है, क्योंकि जो कोई छोटा व्यापार करें, बड़ा व्यापार करें, कोई दुकान करें या कुछ भी करें, तो उसका भी ये कारक होता है। जो लोग अपनी किताबें छापते हैं या छपवाते हैं, या जो बाहर ये प्रकाशन का इनका काम है, दूसरों की किताबों को छापते हैं, उन्होंने मशीनें लगा रखी है, ये उसका भी कारक होता है। आपको मैंने बताया कि बुध हमें क्या देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। और ये जो हमारे शरीर में जो त्वचा है, इस त्वचा का भी ये बुध कारक होता है। त्वचा में आपने देखा होगा किसी को खुजली हो गया, किसी को खाज हो गया, किसी को दाद हो गया, कहीं कुछ और एलर्जी हो जाती है, तो इसका कारक भी बुध होता है। अगर बुध हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो हमें त्वचा रोग होना संभव है, त्वचा रोग हमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं बुध महाराज की। अब देखते हैं आपके सामने कि मैंने कुंडली बना रखी है, ये कुंडली कन्या लग्न की है, और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध देवता है। अगर कन्या लग्न की कुंडली में बुध खुद स्वयं अगर कुंडली में बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली में, सबसे बढ़िया है आप यहाँ इनका रत्न धारण कर सकते हैं, आपको यहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बेधड़क धारण कर सकते हैं। अगर इसका अंश भी कम है थोड़े, या अंश बहुत ज़्यादा हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धारण कर सकते हैं। अगर एक बार को ये मानो सूर्य के साथ बैठा है, अस्त हो गया, फिर भी आप धारण कर सकते हैं। कारण क्या है अष्ट ग्रह का, कि अष्ट ग्रह तभी तक अस्त होता है जब तक वो उसकी महादशा नहीं आती है। जब उसकी महादशा हो या उसकी अंतरदशा हो, तो वो जहाँ का मालिक होता है उस प्रभाव का हमें प्रभाव देता है। जिस भाव का मालिक होगा उस भाव का हमें फल देगा, उस भाव से संबंधित जो भी हमारे को चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ें हमें वो ग्रह देता है। दूसरा, ये कन्या लग्न के जो अगला घर है ये तुला राशि का है, और यहाँ वाणी का प्रभाव होता है इस घर पे, और वैसे भी इसकी मित्र राशि है, तो आप बुध का जो पन्ना है वो यहाँ भी धारण कर सकते हैं। तीसरा भाव थोड़ा हिम्मत का होता है, विल पावर का होता है, मेहनत का होता है, ये मंगल का घर है, इसमें आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। अगर यहाँ बुध बैठा है इसमें आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। चौथा घर देखते हैं, चौथा घर माँ का घर होता है, माँ का सुख का घर होता है, और चौथे घर में जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है। अगर बुध यहाँ बैठा है तो बुध यहाँ का भी कारक होता है, चतुर्थ भाव का, कि चतुर्थ भाव से हमें जो घर की सुख मिलता है वो हमें देने वाला बुध होता है, तो यहाँ भी हम पन्ना धारण कर सकते हैं। सुख शांति का कारक भी बुध है, यहाँ भी पन्ना हम पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं, अगर बुध यहाँ बैठा है किसी का, तो ये जो पंचम भाव है ये हमारे बुद्धि का, विद्या का, संतान भाव कहते हैं इसको, तो यहाँ भी हम पन्ना पहन सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बुध छठे भाव में किसी का बैठा हो, हालांकि जो कुंडली हमारी जो कालचक्र की कुंडली होती है, छठा भाव बुध का खुद अपना भाव होता है, लेकिन ये लग्नेश है, और लग्नेश बन के अगर ये छठे भाव में बैठ गया है, यहाँ पर हम इसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। सप्तम भाव की बात आती है, अगर बुध यहाँ बैठा है, ये गुरु का घर बनता है, और 12 नंबर जो मीन राशि है इसमें जो बुध है वो नीच बनता है, नीच राशि का बनता है, तो यहाँ पर हम पन्ना नहीं पहन सकते हैं।
हालांकि ये व्यापार का घर है, हमारे लाभ का घर है, रोज की कमाई का घर है, लेकिन हम यहाँ पन्ना नहीं पहन सकते। कारण क्या है कि यहाँ नीच का प्रभाव बनता है, तो अगर यहाँ पन्ना पहनेंगे तो यहाँ पर बुध हमें नीच का प्रभाव देगा। नीच का प्रभाव किस चीज़ में देगा? व्यापार में देगा। रोज़ की जो हमारी इनकम है, आमदनी रोज हम करते हैं अपने घर परिवार के लिए, उसमें हमें नीच प्रभाव देगा। ये पत्नी का घर भी है तो पत्नी के साथ में भी मनमुटाव कराएगा। यहाँ एक शर्त है, अगर ये बृहस्पति इसके साथ बैठा हो, खुद यहाँ मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, अगर वो साथ बैठा हुआ है तो हम यहाँ पन्ना पहन सकते हैं। अगर खाली बुध बैठा है तो पन्ना नहीं पहन सकते, क्योंकि बृहस्पति खुद व्यापार का कारक है और बृहस्पति और बुध दोनों ये बुद्धि के ज्ञान के देने वाले हैं। बृहस्पति धन का देने वाला है और खुद अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसके साथ बैठने से इसके नीचत्व का नीच भंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पन्ना पहन सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और आती है, अगर यहाँ शुक्र बैठा हो और बुध भी बैठा हो, दोनों ग्रह बैठे हों, तो भी पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का बनता है। अगर उच्च के ग्रह के साथ में अगर बुध बैठता है तो इसका जो नीच भंग योग है वो हो जाता है, तो इसको यहाँ नीच का जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बैठ के ये जो जातक है ये बुध का पन्ना पहन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि व्यापार का घर है। शुक्र या बृहस्पति इन दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा हो, हालांकि बुध और बृहस्पति आपस में सम हैं, दुश्मन नहीं है, सम हैं, तो इनका कोई दोष आपस में नहीं लगता। ये और ये दोनों बैठे हो तो पन्ना पहन सकते हैं, और ये दोनों बैठे हैं तो फिर पन्ना पहन सकते हैं। ये भाव अष्टम भाव है, अगर बुध यहाँ बैठा है अष्टम भाव का हम रतन धारण नहीं कर सकते। अगला भाव भाग्य भाव है, अगर बुध यहाँ बैठता है भाग्य भाव में तो हम पन्ना पहन सकते हैं। यहाँ पन्ना पहनने से हमें पिता से लाभ मिलेगा, भाग्य को साथ मिलेगा, भाग्य हमारा प्रबल होगा, और मित्र राशि का घर है ये बृहस्पति का। वैसे तो कारक भाव तो बृहस्पति का है, लेकिन ये शुक्र के उसमें आ रहा है कि स्टडी में, तो यहाँ का जो मालिक है वो शुक्र हुआ। बृहस्पति को भी अगर मालिक मान के चलते हैं कारक के रूप में, तो वो भी बुध का मित्र है, सम प्रभाव है, तो दुश्मन नहीं है, तो यहाँ भी हम बुध का पन्ना पहन सकते हैं, तो ये भी हमें लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। ये भाव है दशम भाव, तो दशम भाव में बुध की अपनी राशि है और ये हमारे कर्म क्षेत्र का घर है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसका घर है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम पन्ना पहनते हैं और बुध यहाँ विराजमान है तो हमारे व्यापार का जो ये भाव है ये भाव को ये बढ़ा देगा, ये भाव है हमारे व्यापार को बढ़ा देगा, अच्छा व्यापार चलेगा, तो यहाँ भी हम पन्ना धारण कर सकते हैं। ये भाव है, इसको हम लाभ भाव कहते हैं। ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा कारक है माँ का, तो बुध को यहाँ अगर बैठना है बुध, तो हमें ये लाभ देगा क्योंकि लाभ भाव है, और साथ में हमें माता का भी लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, माता के द्वारा लाभ मिलेगा। तो यहाँ बुध बैठता है तो यहाँ भी हम इसका पन्ना डाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाव है व्यय भाव कहते हैं इसको, यहाँ अगर बुध बैठता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये खर्चे वाला घर है, तो हम यहाँ भी पन्ना नहीं पहन सकते। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पन्ना नहीं पहन सकते, यहाँ पन्ना नहीं पहन सकते, यहाँ नहीं पहन सकते और यहाँ नहीं पहन सकते। इसमें चार भाव ऐसे हैं जहाँ पन्ना नहीं पहन सकते। सप्तम भाव मैंने आपको बताया है, अगर बुध बैठा है उसके साथ में अगर बृहस्पति की युति बनती है तो पन्ना पहन सकते हैं, और बुध के साथ में शुक्र की युति बनती है तो पन्ना पहन सकते हैं, और अगर खाली बुध बैठा हो यहाँ अकेला तो यहाँ पन्ना नहीं पहन सकते, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, और यहाँ इसका नीच का प्रभाव रहेगा, तो ये हमारे व्यापार में, काम में, धंधे में, हमारे पत्नी के साथ में जो हमारी जो ट्यूनिंग होती है, हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी हमें दिक्कत करेगा। अब बात करते हैं कि पन्ना किस धातु में पहनना चाहिए। मित्र, धातुओं के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद ये है कि मेरे हिसाब से पन्ना जो है हमेशा गोल्ड में पहना जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बृहस्पति की धातु है, सूर्य की धातु है, सोना बृहस्पति या सूर्य दोनों की धातु है। अगर हम पन्ना को गोल्ड के अंदर पहनते हैं तो उससे में बृहस्पति का और सूर्य का दोनों का साथ मिलता है, साथ में पन्ना का साथ मिलता है, तो ऐसे करके वो हमें लाभ ज़्यादा दे सकता है। लेकिन कुछ हमारे जो विद्वान हैं, ब्राह्मण पंडित हैं, उनका मत है कि पन्ना हमेशा सिल्वर के अंदर पहनना चाहिए। सिल्वर धातु है शुक्र की,
जो धनदायक है, और चंद्रमा की जो माँ का कारक है। तो कहते हैं कि सिल्वर के अंदर पन्ना धारण करेंगे तो माँ का प्यार मिलेगा, माँ की सपोर्ट मिलेगी, माँ का साथ मिलेगा। तो इस बारे में मैं आपको कोई ज़्यादा राय नहीं दूंगा, आपको जैसे अच्छा लगता है आप चांदी में पहनना चाहें चांदी में पहनिए, और अगर आप गोल्ड में पहनना चाहते हैं तो गोल्ड में पहनिए, बाकी मेरा जो मत है वो गोल्ड में पहनने का। पन्ना कहाँ पहनते हैं? आपकी ये जो चिटकी उंगली होती है हाथ की, ये सबसे छोटी उंगली है ये वाली, इसमें पन्ना पहना जाता है। कारण क्या है कि ये जो हमारा हाथ है, ये जो भाव है, ये चिटकी उंगली के नीचे वाला, ये बुध पर्वत होता है, ये जो अनामिका होती है रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, या सूर्य पर्वत होता है, या सूर्य गर्दन धारण करते हैं, ये शनि का पर्वत है नीचे तो यह शनि का रत्न धारण करते हैं, ये बृहस्पति का पर्वत है तो बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं, ये शुक्र का पर्वत है तो यहाँ शुक्र पर्वत है, यहाँ चंद्र पर्वत है, मंगल पर्वत है, तो ये सब पर्वत अपनी जगह पे हैं। तो ये जो पर्वत जहाँ होते हैं उसके हिसाब से ही रत्न को धारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि पन्ना को कैसे पहने, पन्ना की पहचान कैसे करें। देखिए, पन्ना एक ऐसी चीज़ है जो खनिज है, हमें प्रकृति ने हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है। पन्ना ऐसा नहीं है कि कोई रेडीमेड तैयार हो जाए हम उसको बना लें, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल पन्ना नहीं बनता है, जो आर्टिफिशियल पन्ना बनते हैं वो कांच होता है और उसको हरे रंग से रंग देते हैं, तो वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है, एकदम क्लियरिटी होती है उसके अंदर, तो उसको हम पन्ना नहीं कह सकते, वो तो बेकार चीज़ होती है, उसको ऑनक्स कहा जाता है। लेकिन पन्ना जो होता है उसके अंदर थोड़ी झाई मिलेगी आपको, थोड़ा कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कालापन मिलेगा, झाई मिलेगी, कोई दाग मिलेगा अंदर, वो असली पन्ना होता है। हमें वो असली पन्ना ही पहनना चाहिए। पन्ना कब पहने? पन्ना को हम बुधवार को धारण करें। पन्ना को कैसे पहनना चाहिए? पन्ना को पहनने के लिए सबसे पहले आप उसको मंगलवार की रात को कच्चे दूध में डाल के रख दें, और सवेरे निकाल के उसको फिर पहले तो आप गंगा जल से साफ करें, फिर साफ़ जल से साफ करें, फिर गंगा जल से साफ करें, उसके बाद उसको धूप बत्ती दें, तिलक लगाएं इसको, और बुध का एक माला अपने मंत्र का जाप करना है। और बुध का जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों सह बुधाय नमः। दोबारा रिपीट करता हूँ, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों सह बुधाय नमः। एक मंत्र और है, ओम बुम बुधाय नमः, छोटा सा मंत्र है, इसको तांत्रिक मंत्र कहते हैं, ओम बुम बुधाय नमः। दो मंत्र हैं, कोई सा भी आप एक मंत्र का माला का जाप कर ले, और उसके बाद में अगर कोई आपका जो इष्ट है, आप जिसकी देवता को मानते हैं, उसका नाम लेके आपने सबसे छोटी उंगली सीधे हाथ की राइट हैंड की उसमें आपने धारण करना है, और कोशिश कीजिए कि इसको आप शुक्ल पक्ष में धारण करें, इसको कृष्ण पक्ष में धारण नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में आप इसको धारण करें। तो पन्ना जिस जिस लगन में जहाँ का कारक होता है वो कारक के हिसाब से आपने पहनना है। ये लगन है इनमें पन्ना चलता है, इनमें आप पन्ना पहन सकते हैं, इसके अलावा और किसी लगन में पन्ना नहीं पहना जाता है। मैंने ये जानकारी आपको दी, अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका बुध ख़राब है, आपको बहुत दिक्कत कर रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी आपको दे रहा है, शरीर में कोई त्वचा में रोग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, कोई मुर्गी के दौरे पड़ते हैं आपको, या और कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए आपको उस उपाय बता रहा हूँ। उपाय को आप ध्यान में रखें और उसको अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उसको लाभ होगा। पहला उपाय है कि आप हर बुधवार को गाय को हरा चारा दें, सबसे पहला उपाय है। हरे चारे में आप जो भी हरी चीज़ मौसम के हिसाब से हो, मेथी है, पालक है, मूली के पत्ते हैं, गोभी के पत्ते हैं, जो भी और कोई हरी चीज़ आपको ऐसी मिलती है मौसम के अनुसार, वो आप गाय को हर बुधवार को चारा जरूर दें। दूसरा उपाय है कि जो ये जो हिजड़े होते हैं जिनको हम सीमेल बोलते हैं, इनको आप बुधवार के दिन श्रृंगार का सामान और साथ में एक जोड़ी हरे रंग का वस्त्र सूट इनको आप जरूर दें, इससे हमारा जो बुध है उसका जो प्रभाव है वो हमारे लिए शुभ हो जाता है। तीसरा उपाय आपको बता रहा हूँ कि हरे रंग की जो मूंग की दाल आती है, आपने उस साबुत मूंग हरे रंग की, आपने उस साबुत मूंग हरे रंग की का दान करना है बुधवार के दिन, या तो आप उस दान को मंदिर में दान कर दीजिए, मंदिर में नहीं है तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दान कीजिए जो उसका उपयोग अपने लिए करें। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं बुध के बारे में, या आप हरे रंग का तोता पाल सकते हैं अपने घर में, वो भी आपको बुध का जो उपाय आपको जो शुभ प्रभाव नहीं है उसका शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए उसमें वो कारगर होता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा उसमें हम बताएंगे आपको हीरा,
या ओपल, वो हमें क्या फ़ायदा करता है और हीरा ओपल कौन पहन सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय दें, और हमारे चैनल को जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो बेल पुश बटन है उसको ऑन करके जो उसमें ऑल ऑप्शन आता है उस ऑल ऑप्शन को आप क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारा बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद हमारे वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक हैं हमारे वीडियो, कि हमारा चैनल एक्चुअली एजुकेशन का चैनल है, हमने तो यहाँ लोगों को ज्ञान बांटना है, हमने कोई यहाँ ऐसा तो कोई हंसी मजाक का है नहीं कोई हमारे चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है भाई ज्ञानवर्धक है, हमें पंडित जी ने अच्छा ज्ञान दिया है, आप अपने मित्रों को शेयर करें। अगला वीडियो ओपल या हीरा के बारे में आपके सामने आने वाला है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।